हे गाइस, पुनित इज बैक विथ अनदर व्लॉग। और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, अगर आप एक कैमकॉर्डर यूज़ कर रहे हो Z150 लाइक दिस। Z150 एक बहुत ही पॉपुलर कैमकॉर्डर है ब्रॉडकास्ट और वेडिंग फोटोग्राफर्स वीडियोग्राफर के बीच में, काफ़ी लोग इस कैमकॉर्डर को पसंद करते हैं। तो इसकी सेटिंग का मेन्यू रन थ्रू मैं करने वाला हूँ पूरा का पूरा इस वीडियो में। काफ़ी टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि Z150 की सेटिंग्स के ऊपर कोई वीडियो बनाइए, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि आप अपने Z150 का मेन्यू सेटअप कैसे कर सकते हो। सब लोगों की अपनी अपनी प्रेफरेबल सेटिंग्स होती हैं, जैसे मेरी खुद की एक प्रेफरेबल सेटिंग है। सब लोग अपने हिसाब से मेन्यू को क्रिएट करते हैं, जैसे मेरी अपनी खुद की प्रेफरेंस वाली सेटिंग्स मैं अपने कैमरा में सेट करता हूं। मैं वही मेन्यू आपको रन थ्रू करने वाला हूं कि कौन कौन सी सेटिंग्स मैं पर्सनली यूज़ करता हूं जब मैं इस कैमकॉर्डर को यूज़ करता हूं। तो चलिए जंप करते हैं सेटिंग्स की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज अब स्टार्ट करते हैं हम लोग जानना अबाउट Z150 की मेन्यू सेटिंग्स के बारे में। ये मेन्यू सेटअप है और मैंने जिस तरीके से मेरे कैमरा को सेटअप कर रखा है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सिंपली सबसे पहले जब मैं अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले मैं रिकॉर्डिंग फॉर्मेट चेक करता हूँ कि फॉर्मेट मैंने क्या रखा हुआ है। और रिकॉर्डिंग फॉर्मेट चेक करने के लिए आपको कैमरा मेन्यू सेकंड में आना है और मेन्यू में आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्लैश आउट सेट दिखेगा, जिससे मैं रिकॉर्डिंग सेट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैं एग्जैक्टली मेरा फॉर्मेट चेक कर पाऊँगा किस फॉर्मेट में मैं शूट कर रहा हूँ। तो आपके कैमरा में XAVC होगा, XAVC 4K होगा और AVC HD होगा। तो जो ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ ये Z150 के ऊपर नहीं हो रहा है मेन्यू, ये NX80 का मेन्यू है। बट सबका मेन्यू सिमिलर है तो इसमें कोई भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। सबके NX100 सोनी के अंदर NX100 से लेकर के और Z150 तक के मेन्यू सबके सेम है, और इवन सबके मेन्यू सेम है तो सबकी सेटिंग्स ऑलमोस्ट आपको सेम दिखेगी। तो जब मैं आता हूँ XAVC, ये मुझे रिकॉर्डिंग फॉर्मेट दिखता है और मैं हमेशा XAVC सेलेक्ट करता हूँ। XAVC का बेनिफिट ये रहता है कि मुझे 50 Mbps की बिटरेट मिलेगी यहाँ पर, मुझे 50 फ्रेम और 50 Mbps, तो जो सबसे हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी मेरा कैमरा मुझे शूट करके देगा। तो यूजुअली मैं इसे ही प्रेफर करता हूँ। बट अगर आप XAVC शूट करेंगे तो जो आपका फाइल फॉर्मेट होगा वो फाइल फॉर्मेट आपको मिलेगा MXF। तो अगर आपका MXF फाइल फॉर्मेट आपके सिस्टम और आपके सॉफ्टवेयर सपोर्ट करते हैं तो आप इस फॉर्मेट को सिलेक्ट करिएगा, वरना आप AVC HD भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये भी एक डिसेंट फॉर्मेट है। AVC HD की एक प्रॉब्लम है कि जैसे ही क्लिप 13 मिनट की होती है ये उसे ब्रेक कर देता है, पर XAVC में ये प्रॉब्लम नहीं होती। आप XAVC में जब तक रिकॉर्डिंग का बटन प्रेस करके रिकॉर्डिंग नहीं बंद करेंगे तब तक आपकी वीडियो फाइल ब्रेक होकर आपको नहीं मिलेगी। AVC HD में ये प्रॉब्लम एक जो मुझे पर्सनली फील होती है कि फाइल्स को ये ब्रेक करके देता है, जैसे 3 GB की फाइल बनती है वैसे ही उसे ब्रेक कर देता है। इसलिए मैं XAVC शूट करना ज़्यादा पसंद करता हूँ और किसी अदर फॉर्मेट से। फिर अगर आपके कैमरा में 2 मेमोरी कार्ड हों डले हुए तो आप साइमल्टेनियसली रिकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि सेम टाइम के दोनों मेमोरी कार्ड में आपकी सेम फाइल सेव होगी। तो ये भी मैं ऑप्शन बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ अगर मुझे बैकअप रिकॉर्ड करना हो मेरी किसी ओरिजिनल फुटेज का। तो आपने अगर 2 मेमोरी कार्ड लगा रखे हैं, ए और बी, दोनों मेमोरी कार्ड में आपकी सेम फुटेज आपको रिकॉर्ड होती हुई दिखाई देगी, इसलिए इस ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करता हूँ, अदरवाइज मैं इसको ऑफ रखता हूँ। फिर हम लोग चलते हैं फाइल फॉर्मेट तो आप लोगों ने समझ लिया, चलते हैं कैमरा मेन्यू की तरफ जो कि मेन मेन्यू है। यहाँ पे मैं मेरे कैमरा को हमेशा ISO पे रखता हूँ। ISO का इसलिए इसे रखता हूँ क्योंकि ISO से बेनिफिट ये है कि मैं एक DSLR यूज़र रहा हूँ शुरू से, तो मुझे जैसे हम लोग हमारे DSLR में ISO चेंज कर देते उस तरीके से मुझे ISO वैल्यू को समझने में ज़्यादा आसानी होती है। अगर आप लोग ISO ज़्यादा यूज़ करना पसंद करते हो नाम को तो आप ISO रख सकते हो या फिर गेन रख सकते हो, दोनों का यूज़ एक ही है, बस नाम चेंज कर दिया गया है। कई वीडियोग्राफर गेन से समझते हैं, कई वीडियोग्राफर ISO से समझते हैं। अगर आप ISO पे हैं या फिर अगर आप गेन पे हैं तो इनकी अपनी एक ऑटो लिमिट होती है। अगर आप ऑटो मोड पे ISO को यूज़ करो तो उसकी लिमिट को आप सेट कर सकते हो कि अगर आप ऑटो पे चलाओ तो इतने से ज़्यादा ISO ना जाए। तो मैं यूजुअली इसको 2500 तक रखता हूँ क्योंकि 2500 तक मैंने देखा है कि मेरे वीडियोस में नॉइज़ नहीं आती है अगर मैं ऑटो पे मेरे ISO को यूज़ कर रहा हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आप एक लिमिट सेट कर सकते हो कि ऑटो जब आपका ISO चले तो ऑटोमेटिक मोड पे भी आपके ISO की लिमिट ज़्यादा क्रॉस ना हो। अगर सपोज़ करिए 4 या 5 हज़ार आपका ISO चले जाता है ऑटो शूट करते टाइम पे, तो उस सिचुएशन में नॉइज़ बनना स्टार्ट होती है आपके वीडियो में। इसलिए मैं इसकी लिमिट पहले ही ब्लॉक करके रखता हूँ कि अगर मैं ऑटो पे से यूज़ कर रहा हूँ तो 2500 से ज़्यादा ISO मेरा क्रॉस ना हो। फिर वाइट बैलेंस की हम लोग बात करें तो मैं वाइट बैलेंस को मैनुअल पे सेट रखता हूँ, मैनुअल WB टेम्परेचर सेट, जिससे मैं केल्विन डिग्री को एडजस्ट कर सकूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं वाइट बैलेंस को बटन को प्रेस करूँगा यहाँ पे मेरे पास केल्विन डिग्री और ए और बी बैंक आ जाएगा।
तो मैं केल्विन डिग्री को यूज़ कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ टेम्परेचर को, अगर मैं मैनुअल टेम्परेचर सेट को सिलेक्ट करता हूँ वाइट बैलेंस प्रीसेट में। यहाँ वाइट बैलेंस प्रीसेट पे यहाँ पे आपको मैनुअल टेम्परेचर सेलेक्ट करना होगा और यहाँ से आप केल्विन को सेट कर पाएंगे। तो ये मैं रखता हूँ हमेशा अपने मेन्यू में सेटिंग। फिर ये सब कुछ अवॉइड कर दीजिए। एक जो अच्छी चीज़ है वो है यहाँ पे स्टेबिलिटी स्टडी शॉट, जो कि एक ऑप्शन आता है। तो अगर आप हैंड हेल्ड शूट कर रहे हैं तो मैं इसे एक्टिव पे रखूँगा। एक्टिव पे एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है कि आपका फ्रेम हल्का सा क्रॉप हो जाता है, पर अगर आप हैंड हेल्ड शूट कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी फुटेज को स्मूथ बनाने में, और 3x का आपको लगभग आपको स्टेबिलाइजेशन इसमें मिल जाता है। अगर ट्राइपॉड है तो स्टैंडर्ड, और अगर हैंड हेल्ड है तो एक्टिव। फिर फेस डिडक्शन ऑटो फोकस मैं हमेशा ऑन रखता हूँ। इसका बेनिफिट ये होता है कि सब्जेक्ट के फेस के ऊपर फोकस करेगा। कई बार होता है कि हमको लॉक करना होता है सब्जेक्ट को, तो वहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है बहुत ज़्यादा काम आता है। तो आप फेस डिडक्शन ऑप्शन को सिलेक्ट करके सब्जेक्ट को या फिर ह्यूमन बीन को, ह्यूमन बीन के फेस से उसे ट्रैक करेगा और फेस पे आप उसे लॉक कर पाओगे। स्लो एंड क्विक मोशन ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप Z150 यूज़ करें तो सुपर स्लो नहीं दिखाएगा, वो केवल स्लो एंड क्विक मोशन दिखाएगा। तो स्लो एंड क्विक के अंदर मैं हाई फ्रेम रेट को ऑन करके रखता हूँ, जिससे अगर मुझे स्लो मोशन 120 फ्रेम या 100 फ्रेम शूट करना हो तो मैं शूट कर पाऊँ। तो ये सेटिंग मैं हमेशा बना के रखता हूँ मेरी। फिर उसके बाद हम नीचे जाएंगे। लास्ट जो है, जो सबसे ज़्यादा मैं सेटिंग को यूज़ करता हूँ, वो है पिक्चर प्रोफाइल। आपको मैं दिखाऊंगा पिक्चर प्रोफाइल कितना ज़्यादा डेफर करती है जब आप अपनी पिक्चर प्रोफाइल को चेंज करेंगे। तो मैं PP1 में जाऊंगा, PP1 के अंदर चले जाऊंगा। तो आप देख सकते हैं जो भी पिक्चर प्रोफाइल आपको दी गई है, उस पिक्चर प्रोफाइल को आप अपने हिसाब से पूरा का पूरा कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं PP1 में जाता हूँ, सेटिंग्स में जाता हूँ, गामा मैं सिलेक्ट करता हूँ, जो भी गामा मुझे चाहिए मैं उसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। तो यूजुअली मैं सिने 4 गामा सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि इसमें फ्लैट वीडियो बनती है मुझे, और उस हिसाब से मैं बाद में कलर करेक्शन कर सकता हूँ काफ़ी ज़्यादा जब मैं एडिट करूँगा। फिर उसके बाद मेरे को अगर सैचुरेशन थोड़ा सा लग रहा है कम है तो मैं सैचुरेशन बढ़ा सकता हूँ, और कलर डेप्थ बढ़ा सकता हूँ, कलर करेक्शन बढ़ा सकता हूँ, वाइट बैलेंस शिफ्ट को मैं चेंज कर सकता हूँ, LBBC फिल्टर को। तो ये सारे चेंजेस आप जब अपने सीन को शूट कर रहे होंगे तभी आपको देख करके करना होगा। एक्जैक्टली हर एक छोटे छोटे पॉइंट को बढ़ा करके आपको अपनी प्रोफाइल को अपने हिसाब से एडजस्ट करना होता है। पर यूजुअली टाइम पे मैं जो रखता हूँ, मेरा गामा होता है वो सिने 4 होता है, और जो मोड होता है वो भी सिनेमा मोड होता है, कलर मोड जो होता है। बट आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको फ्लैट प्रोफाइल पे काम करने की आदत नहीं है तो सिने 4 गामा मत सिलेक्ट करिएगा, क्योंकि वीडियो फ्लैट मिलेगी और आपको कलर करेक्शन करना पड़ेगा। वरना आप स्टिल गामा यूज़ कर सकते हैं। स्टिल गामा का बेनिफिट ये है कि ये काफ़ी अच्छी सैचुरेटेड वीडियो बना के देगा आपको, और आपको कलर्स में ज़्यादा करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको बस शूट करना है और आपको हल्का फुल्का करेक्शन करके अपनी वीडियो को रेडी कर लेना है। आप देख सकते हैं जब भी मैं गामा चेंज करता हूँ तो कितना ज़्यादा, आप देख सकते हैं जब भी मैं गामा चेंज करता हूँ तो आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा कलर्स के अंदर आपको डिफरेंस दिख रहा होगा ऑन स्क्रीन। और ये मैं कोई मेन्यू नहीं चेंज कर रहा हूँ, केवल गामा को चेंज करने से ही मुझे कलर्स में बहुत सारा डिफरेंस दिखता है। तो अगर मैं रन एंड गन में हूँ, मुझे एडिटिंग में ज़रा टाइम नहीं देना, तो मैं स्टिल गामा प्रेफर करूँगा और या स्टैंडर्ड गामा प्रेफर करूँगा। और अगर मुझे थोड़ा कलर करेक्शन करके क्रिएटिव लुक बनाना है तो वहाँ पे मैं सिनेमा 4 गामा या सिनेमा गामा सिलेक्ट करूँगा। बाकी जो एडजस्टमेंट एंड सैचुरेशन बढ़ाना, कलर डेप्थ बढ़ाना, ये सब आप अपने हिसाब से जब आप कोई सीन शूट करें उस टाइम पे बैठ करके उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। ये सारी एडजस्टमेंट आप अपनी किसी भी पिक्चर प्रोफाइल में जा करके एडजस्ट कर सकते हो और उसे सेव कर सकते हो। तो अभी ये सेव हो गई है, और अब जब भी मैं इस पिक्चर प्रोफाइल पे आऊँगा, जो मैंने पहले सेव किया था, सेम टू सेम वही रिजल्ट ये मुझे बना के देगा। तो ये पिक्चर प्रोफाइल मैं हमेशा मेरे कैमरा में सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद जो एक दो चीज़ें और मैं ऑन रखता हूँ, वो होती है डिस्प्ले में ज़ेब्रा। और ज़ेब्रा का बेनिफिट ये है, ज़ेब्रा मुझे ओवर एक्सपोज वाली चीज़ों का पता लगाने में हेल्प करता है। तो आप देख रहे हैं ये जो वाइट सी लाइंस चलती हुई दिख रही है आपको, राइट, इसका मतलब है ये जितना भी एरिया है सब ओवर एक्सपोज हो रहा है। अगर मैं थोड़ा सा और एक्सपोजर बढ़ाऊँ तो आप देख पाएंगे कि जैसे जैसे मैं एक्सपोजर बढ़ाऊँगा, जिस एरिया में भी ये लाइन आ रही है, इसका मतलब है वो वाला एरिया ओवर एक्सपोज है। इसके ऊपर मैं बकायदा एक फुल वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो आप स्टे ट्यून रहिए। पर ये मैं ज़रूर ऑन रखता हूँ ताकि मुझे
हाइलाइट्स वाली जो एरियाज हैं उसके बारे में एग्जैक्टली अंदाज़ा रहे कि कहाँ कहाँ पे हाइलाइट्स आ रही हैं। तो ज़ीब्रा मेरे कैमरा में हमेशा ऑन रहती है, और अगर मैनुअल फोकस कर रहा हूँ तो पिकिंग भी मैं ऑन रखता हूँ, जिससे मुझे मेरे फोकस का अंदाज़ा रहे, मेरा फोकस कहाँ जा रहा है। और इसे मैं रेड सेलेक्ट करके रखता हूँ। तो अभी आप देखेंगे जो मेरा फोकस है कार के ऊपर है, जहाँ पे रेड रेड हुआ है। और अगर मैं अभी इसको शिफ्ट करूँगा, अभी अगर मैं इसको शिफ्ट करूँगा पीछे की तरफ, तो आप देख रहे होंगे जो फोकस है वो मेरा पीछे जा रहा है, बिकॉज पीछे रेड 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 स्पॉट्स आ रहे हैं। जैसे जैसे मैं आगे लेके आऊँगा मेरे फोकस को, तो मेरे कार के ऊपर रेड 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 स्पॉट्स आ रहे हैं। इसका मतलब है मेरा फोकस जो है वो कार के ऊपर है। तो पिकिंग को भी मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। पिकिंग का बेनिफिट ये रहता है कि मेरा फोकस कहाँ जा रहा है वो मुझे एग्जैक्टली पता रहता है। तो मैं अभी इसको ऑन बंद कर देता हूँ ताकि आप मेन्यू प्रॉपर देख पाएँ। और लास्ट, अगर मैं कोई मेमोरी कार्ड लगा रहा हूँ, जो मेमोरी कार्ड मैं फर्स्ट टाइम लगा रहा हूँ या वो मल्टीपल टाइम पे मैंने उस मेमोरी कार्ड को यूज़ किया हुआ है, तो आप मेमोरी कार्ड को अदर्स वाले ऑप्शन में आकर के फॉर्मेट कर सकते हैं, अगर वो मेमोरी कार्ड आपके कैमरा में सपोर्ट नहीं कर रहा। तो इस तरीके से मेमोरी कार्ड आपका फॉर्मेट हो सकता है। और कैमरा में कुछ मेजर प्रॉब्लम आ रही है, कैमरा सही से नहीं काम कर रहा है, तो मैं उसको इनिशियलाइजेशन के थ्रू, अदर्स में ही सबसे नीचे नीचे इनिशियलाइजेशन दे रखा होगा, उसके थ्रू आप उसे रीसेट कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग्स जो है मैं मेरे कैमरा में यूजुअली यूज़ करता हूँ। अगर आपके पास कोई भी सोनी का कैमरा है, इस सेटिंग को आप यूज़ कर सकते हो। अभी मैंने जो ये सेटिंग्स आपको दिखाई है NX80 पे दिखाई है, बट Z150 की काफ़ी टाइम से डिमांड आ रही थी, तो Z150 के अकॉर्डिंगली मैंने इसको आपको कन्वर्ट करके दिखाया है। तो आप इसको Z150 और XYZ किसी भी कैमरा के ऊपर यूज़ कर सकते हो। मुझे लगता है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें मेरे चैनल को। साथ ही में मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। एक छोटा सा गिफ्ट भी है अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन है ऑडियो बुक का। अगर आप लोगों को बुक्स पढ़ने का शौक नहीं है तो उस एप्लीकेशन के थ्रू आप बुक्स को सुन सकते हो। ऑडियो गैलरी है, ऑडियो बुक्स की पूरी गैलरी आपको उस पर मिल जाएगी। अगर आप मेरे लिंक से आप उसको ओपन करेंगे तो आपको 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है। तो डेफिनेटली लिंक पर क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और बहुत ही अमेजिंग बुक्स पढ़िए इस लॉकडाउन के समय पर। Thank you for watching this video. Stay tuned and stay rock.